इस समय मौजूद हूँ दिल्ली में और दिल्ली के जंतर मंतर में मेरे साथ बहुजन एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी हैं, सरदार बलविंदर सिंह जी, जो आज मुझे बहुत उदास दिखाई दिए हैं। तो मैंने इनसे कहा, सर आज उदासी का कारण क्या है, ये आप सबसे पहले बताइए। सर्वप्रथम जय गुरुदेव, धन गुरुदेव और आपके सभी व्यूवर्स को क्रांतिकारी जय भीम। आज थोड़ा सा उदास इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ चोट लगी हुई है। जिस प्रकार से तुगलकाबाद में हमारे रविदास, हमारे गुरु, हमारे रहबर गुरु रविदास जी का मंदिर को तोड़ा गया है, 650 साल पुराना इतिहास को मिटाने की कोशिश इन लोगों ने की, उसके खिलाफ हम लोग इस समय थोड़े से मायूस हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी कमर कस ली है और 19 तारीख को दिल्ली बंद की कॉल दे दी गई है। और आपके माध्यम से मैं परिवहन मंत्री को आग्रह करूंगा, अगर आप वहां तक बात पहुंचा पाए तो साहब 19 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर बसें मत उतारिएगा। चाहे आपको जो करना कर लीजिए लेकिन बस मत उतारिएगा, बस उतरेगी तो वो जलेगी। लॉब बड़ा करने वाले हैं दिल्ली में। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मान मान कर अब तक हम पिटते आए, लेकिन अब चोट जो मारी है ना, उस दिल पर मारी है सीधा आप लोगों ने, अब वो बर्दाश्त से बाहर है। और जो केस बनाना चाहते बना लीजिए, जब गिरफ्तार करना चाहते गिरफ्तार कर लीजिए, जो करना करिए, गोली मारनी गोली मार दीजिए, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर 19 तारीख को दिल्ली की सड़कों पे बस चलेगी, उसका परिणाम सरकार को खुद भुगतना होगा। मतलब एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं ये, सीधा साफ शब्दों में। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब मंदिर वहाँ पर जो मनुवादी मानसिकता वाले लोग हैं, जब जिस वक्त वो वहाँ पर ये टुच हरकत कर रहे थे, वहाँ पर कुछ संगठन भी इस केस को जो है लीड कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर मुख दर्शक बन के खड़े रहे और वहाँ से जब गिरफ्तारी शुरू हुई तो वो फरार हो गए। मैं देखिए, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मेरी आदत नहीं, मैं कभी भी किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता। मेरा मकसद हमेशा ये रहा कि हम सब बहुजन समाज कैसे एक हों, चाहे वो कोई सा भी संगठन का व्यक्ति हो, कोई भी हो। और शायद मैं अपने आप से भी नाराज़ हूँ क्योंकि कल जिस समय रविदास मंदिर तोड़ा गया था, मैं उस समय वहाँ नहीं था, क्योंकि उस समय जैसा कि आपको पता है, एक मुस्लिम भाई जहीर को पुलिस प्रताड़ना के अंतर्गत उसे गिरफ्तार करके उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और उसके बाद उसके मुंह पे पेशाब तक किया गया था 3 पुलिस वालों ने। तो कल हम उसे DCP ऑफिस लेके जाने वाले थे, उससे पहले उसे बंद कर लिया जाता पुलिस के माध्यम से जैतपुर में, उसके बाद उसे उठा के वहाँ से कालिंदी कुछ थाने ले जाते हैं। तो मुझे रविदास मंदिर की सूचना मिलती है 11 बजे के आसपास, तब हम लोग उस जहीर को बचाने के लिए हम लोग वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। और शाम को हम 4:30-5 बजे के आसपास हम जब उसे छुड़ा के थाने से निकलवा के पुलिस वालों के ख़िलाफ़ FIR करवा के उसे अवधेश शर्मा को सस्पेंड करा के जब हम आते हैं, तो तब हमें पता लगता है, तब हमें अपने एक नेता से बात करते, एक से बात होती है, तो वो बताते हैं कि हम वहाँ से निकल चुके हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और हमारे बड़े लीडर साहिबान जो हैं, हमारे अपने भाई, वो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई माई का लाल नहीं हमारे मंदिर पर हाथ लगा पाए। लेकिन ना ही उन्होंने बताया। दुख तब हुआ जब मैं घर पहुंचा और मुझे पता लगा कि मेरे रहबर का घर टूट गया। हम बहुजन समाज को बचाने में जोड़ने में लगे रहे और अपना घर नहीं बचा पाए, इस बात का दुख हुआ। और इस बार जो चोट लगी है वो यहाँ पे, हर बार मेरी आवाज़ में बुलंद होती थी जब भी लोगों ने सुना, लेकिन आज दर्द है और ये दर्द बड़ा ख़तरनाक है साहब। 19 को आप एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं जो संविधान के खिलाफ भी कहीं ना कहीं है, तो डरने लगता आपको उससे? हद सब क्या करेंगे, जेल डाल देंगे, बंद कर देंगे, गोली मार देंगे। साहब उन्होंने जीना सिखाया था हमें, सर गर्भ से ऊपर उठा के जीना सिखाया जिन्होंने, या तो सर नीचे करके नकाराओं की तरह मर जाओ अपनी ज़िंदगी जीते हुए कुत्तों की तरह, ये गर्व के साथ चाहे एक दिन जियो लेकिन खुश से सीना गर्व ऊपर करके जियो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुझ दिलों के सीने में राज नहीं रहते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत मेरे दोस्त, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं रहते। और मेरी कौम कभी सर झुका के चलने वाली नहीं है, मैं इतना जानता हूँ। मैं नहीं जानता कितने लोग इस आंदोलन में हमारा साथ देंगे, मुझे रियलिटी में नहीं पता, लेकिन कल से जब से हमने 19 तारीख की कॉल दी है, लगातार देश भर से मेरे पास फ़ोन आए हैं
और सब समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके साथ आ रहे हैं, आप बताइए कहाँ पर आप करेंगे। साथ में प्रशासन के लोगों का भी मेरे पास फ़ोन आया, अगर आप कहें मैं सुना सकता हूँ। उन्हें भी उन्होंने पूछा आप कहाँ प्रदर्शन करेंगे, तो उन्हें साफ कहा है यदि सड़क दिल्ली की सड़क पर कोई चलेगी उस दिन अगर बंद नहीं हुआ तो जहाँ आग लगेगी समझ जाइएगा हम वहीं पर हैं। तो उन्हें भी साफ शब्दों में कह दिया है और हमने कहा जो करना आप उखाड़ लीजिए, हम तैयार हैं, जो आपको करना है करेंगे और जो हमें करना है वो करेंगे, देखा जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे बलविंदर सिंह जी, जो दिल्ली के तुगलकाबाद में जो रविदास मंदिर तोड़ दिया गया 600 साल पुराना, उस पर आज बलविंदर सिंह जी अंदर से बहुत उदास है, इसलिए मैंने इनसे पूछा कि उदासी का कारण क्या है, वो इन्होंने बताया। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।